कह रहा था लेंथ एल इन सेंटीमीटर, लेंथ एल किसमें सेंटीमीटर में, ऑफ अ कॉपर रोड, कॉपर रोड कोई तांबे की एक रोड है उसकी लेंथ के बारे में बात कर रहा है, लेंथ किसमें सेंटीमीटर में। द लेंथ एल ऑफ अ कॉपर रोड इज अ लीनियर फंक्शन, जो लेंथ एल है वो लीनियर फंक्शन है, क्या है लाइन की इक्वेशन है, क्या है लाइन की इक्वेशन ऑफ इट्स सेल्सियस टेम्परेचर सी, और इसका टेम्परेचर भी बता रखा है रोड का, भाई टेम्परेचर कितना है किसमें सेल्सियस में। इन एन एक्सपेरिमेंट इफ लेंथ एल, अगर एल इतना है, जब सी सेल्सियस टेम्परेचर कितना है 20, तो लेंथ कितनी है इतनी है, यस और नो? अरे हाँ या ना, पक्की बात है। फिर जब लेंथ एल इतनी है, जब टेम्परेचर कितना है इतना, तो एक्सप्रेस एल इन टर्म ऑफ सी। देखो ये क्वेश्चन हमने ऐसा एग्जांपल किया था, कुछ खास नहीं है, एक तो बोल दो आप लेंथ और एक बोल दो टेम्परेचर, तो यहां बोल देते हैं सेल्सियस, ठीक है, और अंदाजे से लिखेंगे, ठीक है, और यहां पे बोल देते हैं लेंथ, ठीक है भाई। तो बताना मुझे, जब लेंथ इतनी है, जब टेम्परेचर कितना है 20, तो 20 यहां ले लेते हैं, और लेंथ कितनी है कुछ 124 कुछ इतनी, यस और नो, या थोड़ा ऊपर ले लो, समझ गए अंदाजे से। तो ये पॉइंट क्या आ गया बोलो, टेम्परेचर जब सी 20 है तो ये कितना है 124.942, ठीक है भाई। फिर वो क्या बोलता आगे, जब सेल्सियस कितना है 110, यहाँ अंदाजे से ले रहा हूं मैं, ये कितना है 20 और ये कितना है 124.942, और जब ये कितना है 110, अरे हाँ, तो टेम्परेचर कितना है 125, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर, अरे हाँ हम भाई, तो ये आ गया हमारे पास पॉइंट, ये पॉइंट क्या है भाई 110 और ये कितना है 125.134, ठीक है भाई, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। ये लीनियर फंक्शन है, मतलब एक लाइन की इक्वेशन है, तो ठीक है भाई लाइन की इक्वेशन है तो लाइन बना देते हैं। ठीक है भाई ये लाइन बन गई, बन गई, पॉइंट को मिलाओगे एक ये रहा लाइन बन गई। फिर वो क्या पूछ रहा है आपसे, एक्सप्रेस एल इन टर्म ऑफ सी, तो हमें एल को बताना है इन टर्म ऑफ सी, तो ध्यान दो यहां पे सी है, यहां पे एल है, यहां पे सी है, यहां पर एल है, और क्योंकि ये फंक्शन क्या है लीनियर फंक्शन, तो जितने भी पॉइंट होंगे लाइन पे ही आएंगे, इतना सेल्सियस इतना लेंथ लाइन पे, इतना सेल्सियस इतना लेंथ लाइन पे, तो इतना सी इतना लेंथ ये भी किस पे आएगा लाइन पे, यहां कहीं आ गया, तो ये सी और क्या होगा एल, ठीक है भाई। अब हमें करना क्या है, हमें बोलते हैं एल को एक्सप्रेस करना है किसकी टर्म में, सी की टर्म में, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कर लो, ये दो पॉइंट है, कैन यू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, अरे हाँ याना, क्या हम इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, दो पॉइंट होते लाइन की इक्वेशन निकालनी आती है, निकाल देंगे आगे लाइन की इक्वेशन। फिर हमें सी और एल की फॉर्म में लानी है, तो ये बिंदी किसके ऊपर है लाइन के ऊपर, तो लाइन की इक्वेशन को क्या करेगी सेटिस्फाई, तो सी और एल में आ जाएगा, अरे हाँ याना, तो इस लाइन की इक्वेशन निकालते हैं, निकालते हैं, बोलो लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस वाई वन अपॉन में x माइनस x, फिर बोलो yes, कौन सी फॉर्म लगेगी 2.4 y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x, बिल्कुल ध्यान से y माइनस y1, y1 बोलो 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 बोलो, ये x1 y1 ये x2 y2, y1 क्या है 124.942 अपॉन में x माइनस x1 बोलो 20, y2 माइनस y1, y2 y2 बोलो 125.134 और y2 माइनस y1, जगह कम पड़ गई एक्चुअली,
ठीक है भाई, y माइनस वाई वन, एक्स माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन, 125.134 माइनस वाई वन, 124.942 अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन, 110 माइनस 20, यस और नो? इसको करते हैं सिंप्लीफाई, करें कर दो, तो y माइनस ये तो यही रहेगा 124.942 अपॉन में x माइनस 20, इसको सिंप्लीफाई करो, बोलो इसमें से माइनस करो, बिल्कुल ध्यान से करना भाई, इसमें तो माइनस करना ही पड़ेगा, तो 125.134 में से क्या 124.942 करो माइनस, 4 माइनस 2 2 और ये 3 13, 13 में से 4 गया 9, यहाँ पे 0, 10 में से 9 गया 1 और ये पॉइंट 4 में से 4 गया 0, ये भी 0, ये भी 0, तो यही आएगा ठीक। तो ऊपर क्या आ गया हमारे पास 0.192, ठीक है भाई, नीचे क्या आएगा बोलो 90, कोई दिक्कत किसी को? हाँ चलो, अगर ये ऊपर से पॉइंट हटा दो आपको पता है तो नीचे कितने जीरो लगेंगे? 3 जीरो लगेंगे, ठीक है भाई, क्लियर है? पक्की बात है? हाँ या ना? कटता है क्या ये? कट जाएगा? किससे कट जाएगा? दो से क्यों, 3 से भी तो कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 छी 18, 3 चौक 12, अभी फिर 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 6 4 नहीं कटेगा, 6 4 10 है ना, नहीं कटेगा, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्क है, 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 से काटोगे तो ये 30,000 का कितना आ जाएगा, 15,000, तो ये आ जाएगा 15,000 और इसको काटोगे तो 32,000, फिर कट जाएगा, ओ माय गॉड, फिर काट दो किससे, 2 से काट दो, ये कितना हो जाएगा 16 और ये कितना हो जाएगा 7,500, फिर काट दो 7,500 आएगा, और काट दो ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना, बड़े नंबर से काट देते यार, चलो कोई नहीं, फिर ये कितना हो जाएगा 2 3 6 2 7 14 2 5 10, एक बार ही और कटेगा, 2 4 8 काट दो, तो किस पे जाएगा ये 2 2 8 16 2 7 14 2 5 10, अब नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा, तो ये आ गया हमारे पास क्या 124.942 है, गंदा तो है, अब क्या कर सकते हैं, x माइनस 20 इज इक्वल्स टू क्या आ गया ऊपर 4, नीचे क्या आ गया 1875, ठीक है भाई, अब हमें नहीं पता बुक वाला कितनी कैलकुलेशन करता है, तो हम तो अपने हिसाब से पूरी करने वाले, कर दे, तो इसको इधर ले जाओ, तो वो अच्छा बोल के थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान कर पाए, एल को एक्सप्रेस करना है, किसको, एल को, और एल क्या है, वाई है, तो y की जगह l आएगा, इसकी जगह x आएगा, इसको उधर ले जाते हैं, y equals to, ले जाए, ध्यान से, खबरदार होशियार, तो y is equals to, क्या हो गया, 1 minus 124.942, और ये क्या आ गया, 4 अपॉन में क्या, 1875, एंड गुणा में क्या होगा, x minus 20, ठीक है भाई, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते, चलो, y minus 124.942, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई, एक बार इससे मल्टीप्लाई, हाँ या ना, ठीक है, तो इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई, एक बार इससे मल्टी, इससे करोगे तो 4x अपॉन में 1875 एंड माइनस, इसको करोगे तो 80 हो गया, सीधा क्या हो गया 80, बहुत गंदी कैलकुलेशन है, अपॉन में 1875, ये 5 से कट जाएगा, कट जाएगा 5 से, बिल्कुल कट जाएगा, तो 5 दिया 15, कितना आ गया 3, 5 7 35, 2 5 5 25, इधर 5 5 5 6 30, अब नहीं कटेगा, ठीक है भाई, इसको उधर ले जाके माइनस कर देंगे, तो y इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास 4x अपॉन में 1875, क्लियर है भाई, एंड माइनस क्या 16 अपॉन में 375, क्लियर है भाई, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा कितना 124.942, हाय 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 हाय, अपॉन में वन, ठीक है, बड़ी गंदी कैलकुलेशन है तो करनी पड़ेगी, क्लियर है भाई,
थोड़ा स्मार्टनेस कर सकता था, मैं स्मार्टनेस दिखा सकता था, मैं इसको काटता नहीं, पॉइंट में रहने देता, कैलकुलेशन क्या हो जाती, आसान हो जाता। अगर हम पॉइंट में ही रहने देते वहां से यहां तक तो कैलकुलेशन वर्क इजी हो जाता पक्का। लेकिन अब क्या करें, अब तो कर दिया, अब तो छेड़ दिया, तो छेड़ दिया भाई। अब इसका एलसीएम लेके फिर इसको एलसीएम ले लो, बस इसको तो ऐसे रहने दो, तो हम इतना ही छोड़ने वाले हैं, ठीक, इतना ही छोड़ने वाले हैं। ये हमारे पास वाई आ गया, वाई इज इक्वल्स टू क्या, 4x अपॉन में 1875 एंड माइनस, इसकी कैलकुलेशन इतना बड़ा मल्टीप्लाई यार कौन करेगा, चक्कर आ रहे हैं देखती है ना, तो इतना ही। हाँ वो पॉइंट में छोड़ रखा उसने, आ जाएगा आंसर, अगर आप इसको काटोगे नहीं आ जाएगा आंसर। हमने बहुत सारा काट दिया ना, ये रहा कहाँ पर, पॉइंट में ही रहने देते तो अच्छा रहता। चलो कर लेते हैं यार, कर लेते हैं, है ना, कर लेते हैं, कोई बात नहीं, करना चाहिए ऐसा, कैलकुलेशन वर्क भी करना चाहिए। अब हमें पता नहीं ना बुक वाला कहाँ तक की कैलकुलेशन छोड़ता है, तो हम कैलकुलेशन वर्क कर लेते हैं, ठीक है भाई। तो ये क्या है, y माइनस 124.942 अपॉन में x माइनस 20, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ रहा था, ये 0.192 अपॉन में कितना आ गया 90। क्लियर है भाई, अब इसको उधर ले जाते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो y माइनस 124.942 और इसको उधर ले जाओगे तो इसको ऐसे रहने दो, 0.192 अपॉन में क्या 90, इसको उधर ले जाते हैं तो x माइनस 20। कोई दिक्कत भाई किसी को, और सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसको उधर उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, आप इसको चाहो तो एक जीरो है तो एक पॉइंट और आगे शिफ्ट कर सकते हो, जीरो को हटाकर एक पॉइंट, जब पॉइंट को हटाकर एक जीरो लगाते हैं तो जीरो को हटाकर एक पॉइंट आगे शिफ्ट कर सकते हैं, तो y इज इक्वल्स टू ये उधर आगे प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास, एक पॉइंट शिफ्ट कर रहा हूं मैं, 0.0192 अपॉन में क्या 9 एंड x माइनस 20 और ये उधर आगे क्या हो जाएगा प्लस 124.942 ये छोड़ने वाला। क्लियर है भाई, नहीं करेंगे, इतना ही करेंगे। फिर वो बोलता है क्या है ये, इसके ऊपर क्या सेटिस्फाई करेगा बोलो, हमें एल और सी की टर्म में निकालना है, फिर अब ये बिंदी सी एल सेटिस्फाई करेगा, तो पॉइंट कौन सा, सी एल सेटिस्फाई द फर्स्ट, इसको सेटिस्फाई करेगा, तो एक्स की जगह क्या रखोगे सी और एल की जगह क्या रखोगे, एक्स की जगह सी और वाई की जगह एल, वाई की जगह एल रख दो, 0.0192 अपॉन में क्या 9 और एक्स की जगह सी रख दो, सी माइनस 20 एंड प्लस 124.942 क्या आंसर है, मिलाओ है ये, ये इसका मतलब बुक वाला, नीचे 90 होगा, तो बुक वाले ने क्या कर रखा है, ये भी नहीं कर रखा, बुक वाले ने बस यही लिख रखा है, इसको इधर लेकर प्लस कर दिया। क्लियर है भाई, हाँ समझ में आ गई बात भाई, तो उतनी बड़ी जो कैलकुलेशन हम कर रहे थे उतना बुक वाला बोल रहा है कि मैं भी डर गया, मैं नहीं कर रहा इतनी बड़ी कैलकुलेशन, मैं तो सीधा ऐसे ही दे रहा हूं तुम्हें आंसर, तुम भी मत करो, ऐसे ही छोड़ दो, उसको भी पता है इतनी गंदी कैलकुलेशन कौन करेगा भाई। कहानी समझ में आ गई, तो मैच कर सकते हैं यार कोई भी आंसर, तो हमने लाइन की इक्वेशन निकाल दी क्योंकि लीनियर फंक्शन है, और ये बिंदी सी और एल किसको सेटिस्फाई करेगा, लाइन की इक्वेशन को, तो एक्स की जगह सी पुट कर दिया और वाई की जगह एल, तो एल एक्सप्रेस हो गया इन टर्म ऑफ सी, एल बराबर किसकी टर्म में आ गया, सी की टर्म में। क्लियर है भाई, पक्की बात, लिखा तो है यार, पॉइंट सी एल, हाँ तो पुट तो कर रहे, बोल तो दिया पॉइंट सी एल, पॉइंट सी एल सेटिस्फाई फर्स्ट, तो इसको लिख दो पुट पॉइंट सी एल सेटिस्फाई फर्स्ट, क्योंकि पॉइंट सी एल है किसके ऊपर, किसके ऊपर है, लाइन के ऊपर, तो ये बिंदी लाइन ने लगा रखी है तो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, लाइन की इक्वेशन निकाल दी और एक्स की जगह सी और वाई की जगह एल पुट कर दिया, तो हमारे एल बराबर सी की टर्म में आ गया, और वो यही बोल रहा था कि निकाल दो। क्लियर है भाई, तो डरने की जरूरत